हमारे यहाँ एक हमने देखा एक सोच पाई जाती है, कुछ लोगों को ये गुमान होता है कि अगर उनके पास एक फन हो जिसमें वो महारत रखते हों और बहुत सारे लोग उनकी उस सलाहियत को की तारीफ भी करते हों, तो इससे मुराद ये ली जाती है कि हम शायद मुल्क भी चला सकते हैं। तो अब आप जो नौजवानों की वकालत कर रही हैं, आपने नौजवानों का लीडर बनने का कभी नहीं सोचा? क्योंकि आपका तो जलसा सुनने के लिए हाउसफुल हो जाएगा और सियासतदान तो यही चाहते हैं। नौजवान अपना लीडर खुद है, उसके दरमियान लीडर है अगर उन्हें कोई पनपने दे। हम तो नौजवानों को ये सिखा रहे हैं कि आरजू क्या करो, तमन्ना किस चीज की हो, कुव्वत खरीद कितनी होनी चाहिए। जिंदगी में कामयाबी कुव्वत खरीद से नहीं आती, जिंदगी में कामयाबी एहसास से आती है। एहसास शऊर को जगाता है, शऊर आपको ये बताता है कि आप तन्हा नहीं हैं, कोई बिल्कुल आपके साथ लगा खड़ा है और उसकी जिम्मेदारी भी आप पर उतनी है जितनी आपकी जिम्मेदारी। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने इतने लीडर पैदा किए, मुझे तो गिनती भी नहीं आती, बल्कि शायद आप भी मेरे साथ शामिल हो तो गिनती खत्म हो जाएगी। हमने लीडर के मानी बदल दिए, लीडर आज तक नहीं बदला, लीडर के मानी बदल दिया। आप इन नौजवानों को एक दफा ये इजाजत दे दीजिए कि ये वो सोच लें जो सोचना चाहते हैं, ये वो कर लें जो करना चाहते हैं। जहां कहीं आप इन्हें लड़खड़ाते देखें, हाथ आगे बढ़ा दीजिएगा, सिर्फ थामने के लिए, सिर्फ थामने के लिए। और अब हम वो हाथ नहीं थामते, उस हाथ के थामने को जब तक मेरी नस्ल इस मुल्क में पल बढ़ रही थी, तालीम के साथ एक लफ्ज लाजमी था, उसको हम तरबियत कहते थे। अब तालीम बेहिसाब, तरबियत सिफर सिफर। उस वक्त ये सोचा जाता था कि तालीम लफ्ज है, तालीम ख्याल है, तालीम नजरिया है और तरबियत उसको अमली शक्ल देती है। अब हमें अमली शक्ल की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हम उसी वक्त हासिल कर लेना चाहते हैं। आप आज सियासी पार्टी बदलिए, देखिएगा शाम को आपके बैंक अकाउंट की क्या सूरत हाल होगी। और हम इससे कभी नहीं घबराए, उसका हमारे पास बड़ा बाशऊर जवाब है। तो फिर क्या हुआ? हमने उन्हें अपनी वफादारी दे दी, उन्होंने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी। वाह, क्या जिंदगी का बाजार है कि वफा बिकने लगी, और जब वफा बिकती है तो मेरे और आपके साथ सिर्फ जफा हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता।